Hi guys, this is Avgree. Hello guys, this is Manish Singh. Welcome back to our channel. Shilpa views, तो guys कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, enjoy कर रहे होंगे videos को. और आज जो हम video लेके आए हैं वो है इंडिया की most awaited movie. सूर्यवंशी official trailer. Wow. और जय देवगन और रणवीर सिंह का I think मेरे को लग रहा है cameo ही होगा. ट्रेलर जो इसका टीजर था उसमें भी बहुत छोटा सा पार्ट था. और उस मूवी में होने वाले अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ, डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी. मतलब इसमें मार्च, मतलब इसमें 90-80% मेरे को लगता है कि एक्शन तो भर भर के होगा. रोहित शेट्टी मतलब कार्डे उड़ रही है. एक्शन तो होगा ही. और जिस जिसने सिंघम और सिम्बा देखी है वो जानता होगा रोहित शेट्टी के डायरेक्शन को, और वो इस मूवी का बहुत ज्यादा वेट कर रहा होगा. हाँ. तो हम इसके ट्रेलर में फटाफट अभी इसका ट्रेलर देख लेते हैं. हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है. हाँ. एंड में बातें करेंगे. और आप लोग कहां कहां से हमारा ट्रेलर देख रहे हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना. चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. हियर वी गो. 1 2 3 स्टार्ट. धर्मा प्रोडक्शन. रिलायंस ने इसको प्रोड्यूस किया. हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल. अबे जल्दी पहनना, ये तो सिक्सटी वेज है. इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बम ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11. मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था. और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की. ये इनकी एंट्री मेरे को सबसे बढ़िया लगी. मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है. ओ भाई, ये रिवर्स में गाड़ी हो रही है. रोहित शेट्टी की स्पेशल बातें देख दिख रहा है. हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं. अभी उनका वक्त आया नहीं. जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे. देख देख देख, ये रोहित शेट्टी का ये सिग्नेचर है. 93 में एक टन आरडीएक्स आया था जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया. 600 किलो आज भी कहीं दफन है. हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली. भाई की किस्मत पलट दूंगा. आधा बोलते बीवी अबू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने. हाँ मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली, उसका क्या? रुक जा! शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता. इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्योरी शायद सही है, लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा. सूर्या वो लोग कब आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर वो आएंगे जरूर. इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को. क्या करें सर, शिवगढ़ चले? ये काम एक ही कमीना कर सकता है. ओ आया सिम्बा. इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर. ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए. जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखाऊंगा मेड इन इंडिया. ओह माय गॉड, डायलॉग. अभी अजय देवगन के का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है? किसका ज्यादा बड़ा है? अबे कैमियो नहीं होगा इसमें मतलब. हाँ हाँ,
आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। Oh my God! ये उन लोगों के लिए है जो लोग समझते हैं कि इंडिया में मतलब हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से ये मूवी उसके बेसिस पे बनाई है, क्योंकि अभी तक के लोग, जहाँ के तक के भी लोग हैं, वो लोग क्या समझते हैं कि मुंबई की पुलिस, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि मुंबई की पुलिस एकदम ठिठली है, वो कुछ नहीं करती। हाँ, क्योंकि इन्होंने जो भी अटैक दिखाया वो मुंबई में दिखाया। हाँ। और ये एक मुंबई पुलिस को ट्रिब्यूट है, क्योंकि हाँ। जितने भी हमले मुंबई में हुआ उसको ओवरकम करना, उन सबसे जो सिविलियंस है उनको सेफ्टी देना, और वो सब वो मुंबई पुलिस ने बहुत हद तक अच्छा किया है। फिर एंड में इन्होंने बोला कि अभी जो ये विवाद चल रहा है इंडिया में हिंदू मुस्लिम का, उसके ऊपर भी बोला कि जो ये रियल इंडियन मुस्लिम है या फिर कोई भी मुस्लिम है, वो मुस्लिम अब है जब अपने देश के लिए कुछ कर रहा है। हाँ, या फिर एक सच्चे मुस्लिम हाँ, की यही एक अच्छी बात होती है कि वो अपने अपनी ईमानदारी प्रूफ करता है। कोई भी कास्ट की है वो, हाँ, कि वो जिस देश में है उस देश के लिए कुछ करे, लॉयल्टी हाँ, कुछ करे उस देश के लिए। हाँ, तो यही इस वीडियो में बोला है उतने पार्ट में। और इस वीडियो में जैसे कि तुमने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ कैमियो टाइप होगा, मेरे को क्या लग रहा है कि फर्स्ट हाफ तक तो सिर्फ इंटरवल के बाद एंट्री होगी, इंटरवल के पहले मेरे हिसाब से रणवीर सिंह की एंट्री हो जाएगी और उसके बाद होगी अजय अजय देवगन की। मेरे को लग रहा है कि लास्ट में होगी, लास्ट में नहीं, एंडिंग के थोड़े आधे या फिर 45 मिनट्स पहले। नहीं 45 नहीं 30 अबे नहीं, फिर उसके बाद की लैंडिंग करना, फिर जाके अटैक करना, वो सब हाँ, ना वो तीनों में मतलब काफी बड़ा ये धमाका होने वाला है सूर्यवंशी का। और मेरे हिसाब से ये ऑस्कर तक तो शायद ही जाए, क्योंकि इसमें तीनों ब्लॉकब्लास्टर हीरोज हैं और उनके फैंस फॉलोइंग बहुत है। सिम्बा सिंघम 1 सिंघम 2 वाज रोहित शेट्टी एक ऐसा डायरेक्टर है जो यहाँ पर है ना कोई मूवी उसकी स्टोरी पंच लाइन को यहाँ लेकर जा सकता है। कुछ भी बोलो, रोहित शेट्टी को फिजिक्स नहीं पता। फिजिक्स नहीं पता उनको, फिजिक्स इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनको गाड़ियां पसंद नहीं है, वो बाइक पसंद करते हैं। लेकिन वो जो एक्शन दिखाते हैं ना, उनके एक्शन दिखाने का मतलब रियल लगता है, बहुत अलग है, वैसा एक्शन कोई नहीं सकता। कोई बनना चाहो कहीं पर भी ऐसे कोई पंच मारे ऐसा 2 फीट दूर जाके गिरता है, मतलब क्या भाई तू है सुपरमैन है तू। अगर देखे ना उनका वो कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, अभी इस मूवी में गाड़ी रिवर्स में उड़ रही है, रियलिस्टिक लगता है थोड़ा यार, थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। और जो इस मूवी में अजय देवगन की एंट्री, अजय तू हमेशा गाड़ी को आगे क्यों लटकता है रे, तू हमेशा हेलीकॉप्टर पे क्यों लटक के आता है, किसी को किसका कितना बड़ा। रणवीर सिंह का बहुत गजब कैरेक्टर है यार, वो बोलता है फिर बीच में घुस के कि नहीं तुम लोगों को दिखाना है ना किसका बड़ा है, मतलब क्या एंट्री, मतलब रणवीर सिंह का ह्यूमर है ना नेक्स्ट लेवल है। और वहीं पर अक्षय कुमार हर रोल में फिट हो जाते हैं, चाहे वो पेट्रियोटिक हो, चाहे वो मतलब देशभक्ति वाला हो। लेकिन अक्षय कुमार ज्यादातर तो मूवीज उनकी देखेगा ना, वो देशभक्ति वाली मूवी बनाते हैं, किशन मंगल हो गया, फिर टॉयलेट हो गया, फिर और भी बहुत सारी मूवीज है जो कि उन्होंने देशभक्ति का, बट वो कॉमेडी रोल में फिट हो जाते हैं। और जहां पर हम रणवीर सिंह को देखे ना, तो सीरियस कैरेक्टर और कॉमेडी में तो उनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और वो डांस वाले जो मूवीज होते हैं ना, अगर स्ट्रीट डांसर 3 में रणवीर सिंह को ले देना तो ज्यादा चल जाता है। और अजय देवगन है ना, इसी मेरे को लगता है सिंघम के लिए ही बने पुलिस रोल के लिए, उनकी मेरे को अभी भी बहुत सही मूवीज लगती है। बीच में आई थी ना शिवाय एक शिवाय और एक सिंघम सीरीज, तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। शिवाय तो उन्होंने कुछ प्रोड्यूस भी किया है, प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया। और बीच में कपिल शर्मा शो में आए थे ना, तो पूछते हैं ना कि अगर आप कोई सीन कर रहे हो और आपको आपको कट करना हो तो आप कैसे करोगे, तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, बस हाथ ऊपर करके ऐसे कर देता हूँ ना, आई मीन ऐसे
तो उसका मतलब कट समझ जाता है, मतलब काफी ये तीनों का तड़का काफी ज्यादा मजा, ये मजा भी बहुत ज्यादा कमाने वाली है। मैं तो इस मूवी का रिलीज होने का वेट कर रहा हूं। 24 मार्च, अभी दिन ही कितने बाकी है, 22 मैं दिन? तो अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने जाने वाला हूँ। आप लोगों में से कौन कौन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाने वाला है, और आप मूवी देखने के बाद हमारा रिएक्शन इस पे देखना चाहेंगे कि नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मूवी देखने के बाद रिव्यू अगर आप लेना चाहेंगे तो हम लोग जरूर देंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग रिव्यू देखना चाहेंगे। तो गाइस यही थी हमारी वीडियो, वी होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा एक और भी चैनल है शिल्पा कृष्णा जी के नाम से, उसको भी जरूर चेक कीजिए, उसके अंदर भी ऐसी ही वीडियोस आती रहती हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइए कि आप लोग कहाँ से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, और आप अगर चाहते हैं कि हम और भी किसी वीडियो पे रिएक्शन करें आपके मन पसंद, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे, ईमेल या फिर मैसेज करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर रिएक्शन करने की। मिलेंगे अगली ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे लिया, बाय।